भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की राज्य स्तरीय बैठक जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने की। बैठक में यूनियन ने कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 23 नवंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में जन आक्रोश रैली की तैयारियों और उसका मकसद SYL हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी उपलब्धियां गिनाने जैसे मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। आप सुनिए क्या बोले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। देखिए, 23 नवंबर की जन आक्रोश रैली रखी है और उसमें हम किसानों के साथ साथ मजदूर, बेरोजगार, व्यापारी, दुकानदार, उन सभी को, रिक्शा वाले, रेडी फड़ी वाले, उन सभी का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी कि लुटेरा वर्ग जो है वो सभी को लूट रहा है कि मेरा वर्सेस लुटेरा की लड़ाई बन गई है, और उस सारे मेरे वर्ग को बचाने के लिए हमने जन आक्रोश रैली रखी है कि जनता के अंदर पूंजीपतियों के और सरकार की जो मिलीभगत हो गई है उसके खिलाफ एक आक्रोश है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, और जिन लोगों के अपरा पास सारे देश की संपत्ति इकट्ठी हो गई, जो खरबपति और पता नहीं उसके ऊपर कौन कौन से पति बन गए, उन्हीं को देश का खजाना लुटाया जा रहा है। आज 15 लाख करोड़ रुपया उन पूंजीपतियों का माफ कर दिया है, जबकि किसान और मजदूर कर्जे में फांसी खा रहा है। तो इसलिए जो है वो सारे मेरे वर्ग को इकट्ठा करने का एक प्रयास है, और उसका एक मकसद ये भी है कि क्योंकि उसके तुरंत बाद चुनाव हैं, जो अब की बार चुनावों में मुद्दा हो वो आर्थिक मुद्दा होना चाहिए, वो मेरे और लुटेरे की बात होनी चाहिए, वो उस जनता के शोषण की बात होनी चाहिए, ना कि जाति धर्म, जाति और धर्म उसमें मुख्य मुद्दा बने। इसलिए जो है वो जन आक्रोश रैली रखी गई है। SYL को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है, कह रहे हैं किसान यूनियन चुप बैठा हुआ है? देखिए, SYL तो ये या तो मीडिया का मुद्दा है और या ये नेताओं का मुद्दा है, किसानों का नहीं है। किसानों के लिए तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप जो है वो हरियाणा और पंजाब का जो झगड़ा करवाने की नीयत है वो SYL से ही होगी, और इसीलिए मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं। हरियाणा ने हरियाणा का पानी अभी तक नहीं बांधा, तबाही मचाई आपके सामने। बरसाती पानी जो है, जो अमृत जैसा पानी है, वो उसने हमारी फसलें मार के वापस समुद्र में क्यों चला गया? पंजाब का पानी फसलें मार के समुद्र में क्यों चला गया? ये राजनीतिक मुद्दा है जो ना कभी हल हुआ है ना कभी होगा, चुनाव से पहले जाग जाते हैं। जब पंजाब में BJP का राज था और उसका बादल का, दोनों का सांझी सरकार थी, सेंटर में भी इनकी सांझी सरकार थी, तब SYL नहीं बनी। जब पंजाब में कांग्रेस थी, हरियाणा में कांग्रेस थी, सेंटर में कांग्रेस थी, तब जो है वो कांग्रेस जो SYL नहीं बनी और आगे भी नहीं बनेगी। ये खाली हवाई बातें हैं, और मैं इस पे जो है वो कोई जो हमें सवाल कर रहे हैं, मैं तो मीडिया से ही कहूँगा कि कोई देश का, हरियाणा का और पंजाब का, दोनों स्टेटों का किसान लीडर इस पर कोई बात ना करे। हमारा जो एकता बनी है जिससे सरकार डरती है, उसको पारने के लिए SYL का मुद्दा है। का विरोध किया है, उसका कोई मुआवजा, कोई लंबा चौड़ा नहीं दे रहे हैं, और पूछते ही नहीं है, सीधे आगे फसल में खंभा काटना शुरू कर देते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। पहले किसान से तय हो कि उसको क्या देंगे। देखिए, किसान आंदोलन से जो जोड़ के ये उस ऐसे मुद्दे पेश कर रहे हैं ना, उसका क्या है, उसमें किसानों को डराना चाहते हैं कि कभी किसानों को इस मुद्दे पे पकड़ना पड़ गया, अरेस्ट करना पड़ गया, तो इस मुद्दे से कर लेंगे। लेकिन हम इस सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि उल्टा पंगा मत ले लेना कभी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हरियाणा और पंजाब के किसान और पश्चिमी UP के किसान, ये जो है वो लड़ाकी कम्युनिटी है, इससे आप कभी पंगा मत लेना, और जो लोगे तो मुँह की खानी पड़ेगी। आज प्रदेश सरकार ने, मनोहर लाल ने अपनी 9 साल की बखूबी का बयान किया है कि ये भी बताना चाहिए कि 9 साल में क्या क्या बर्बाद किया, ये भी बताना चाहिए था। खूबी ने उन्होंने बता दी है, उन्होंने, उनको ये बताना चाहिए था कि उन्होंने बर्बाद क्या कुछ किया। हरियाणा भुखमरी में सबसे नंबर एक पे आ गया, ये उनकी उपलब्धि है, ये तो उन्होंने नहीं बताई होगी। हरियाणा के अंदर जो है वो फसल का MSP जो है वो इन्होंने सारा मिलना बंद कर दिया, उसको बदल बदल के भावांतर पे ले आए, जिससे किसान बर्बाद हो रहा है।
मरता हुआ किसान जो पहले ही कंगाल है उसको और मारने की तैयारी कर ली है, ये भी खट्टर साहब ने नहीं बताई होगी। कर्जे में किसान सुसाइड कर रहा है वो भी खट्टर साहब ने नहीं बताई होगी। तो ये जो उपलब्धियाँ हैं ये भी उसको बतानी चाहिए। और जो जो किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, मुकदमे बना रहे हैं और डंडे से दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उनको बतानी चाहिए। लास्ट सवाल देंगे? नहीं, अभी वहाँ पे जाने का कोई प्लान नहीं बनाया। कोई संयुक्त किसान मोर्चा है कि तो से आपको बना संयुक्त किसान मोर्चे का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमने शायद अभी तक हमने कोई अभी तक ऐसा नहीं बनाया। एक सरकार जिन तीन कानूनों को हमने सड़कों पे बैठ के वापिस कराया था उनकी तरफ फिर बढ़ रही है। अभी एक पॉलिसी ये बना रहे हैं कि क्लस्टर जो है 50,000 हेक्टेयर का एक क्लस्टर होगा, जो पहले फ्रूट में आ रहे हैं, पहले वो तो अंगूर का, सेब का, इस तरह से वो तैयार कराएंगे और वो कंपनियों के हवाले करेंगे। तो कंपनियां उन पे खेती कराएंगी, किसानों से ही कराएंगी, उन पे जो है वो जैसे उनका वैरायटी है वो कंपनी देगी, बीज कंपनी देगी, दवाई कंपनी देगी, खाद कंपनी देगी, कराएंगे किसान से जैसे ब्रोलर में करा रहे हैं। और उसमें फिर जो सारा मुनाफा होगा वो किसान को तो केवल उसकी लेबर देंगे, सारा कंपनी का होगा, यानी खेती में जो है वो कंपनियां क्लस्टर के बहाने से इंटर करा रहे हैं। और क्लस्टर के बहाने से इंटर करा के अगर कंपनियां खेती में, ये पर्चा है मेरे पास जो मेरे को मिला है, मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ, अगर कंपनियां खेती में इंटर कर जाती हैं तो फिर बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारी खेती को खतरा पैदा हो गया है। और अगर खेती को खतरा पैदा होता है तो उसमें पैदा करने वाले का नुकसान नहीं, उसमें साथ खाने वाले का नुकसान भी है, साथ मजदूर का नुकसान भी है। तो किसान यूनियन विरोध करती है किसान यूनियन? हम ये कह रहे हैं हम बिल्कुल विरोध तो करेंगे ही करेंगे, विरोध तो हम पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन मैं देश की जनता को समझाना चाहता हूं कि पूरा देश कंपनियों के हवाले हो रहा है, ना मजदूर बचेगा, ना बाजार बचेगा, ना किसान बचेगा। और अगर कंपनियों के हवाले खाने की चीज़ें हो गई, अगर खेती कंपनियों के हवाले हो गई, तो फिर आपको 25 रुपये किलो आटा नहीं मिलेगा, फिर आपको 50 रुपये किलो आटा, 150 रुपये किलो चावल, 200 रुपये किलो दाल मिलेगी। वो आपकी भूख को देके आपका रेट लगाएंगे। इसलिए मेरी सबसे बेनती ये है कि जो 23 नवंबर की रैली है उसमें भूल जाइए, हम सभी को इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि उसमें किसान भी आए, उसमें मजदूर भी आए, उसमें दुकान वाले भी आए, उसमें व्यापारी भी आए, सबका ये इकट्ठा जो है हम करना चाहते हैं, आर्थिक मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि पूरे देश को कंपनियों के हवाले ना करें। ये देश भारत की जनता का है, ये कंपनियों का नहीं।